Individual and system responsiveness are important elements of quality framework. What is individual responsiveness and what is system responsiveness? Let's see that. Education, being fundamental human right, aims at individuals' development. Individuals and system responsiveness is thus integral to educational governance. Education is the fundamental right of every human being. And when we say that it is fundamental right, it means that it should serve the purpose of development, individual's development. Individual development agar education se nahi ho rahi, iska matlab hai ki aapki education is not serving the purpose. To jo bhi hamari educational governance hai, it should ensure that education is serving the purpose of being fundamental right of each individual. इसमें अहम सवाल क्या है? How do we ensure that the general education system optimally responds to development needs of individual learners, to their aspirations and to the aspirations of their families, households and communities? Individual development needs क्या हैं? पांच कैटेगरीज आमतौर पे इसमें इंक्लूड की जाती हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और इसी के साथ साथ समटाइम्स सोशल डेवलपमेंट के को पर्सनल डेवलपमेंट के साथ अगर कंसीडर किया जाए तो फिर उसमें इमोशनल डेवलपमेंट उसका हिस्सा होती है. कुछ जगहों के ऊपर इसकी सिक्स कैटेगरीज आइडेंटिफाई की जाती हैं, वेयर इमोशनल डेवलपमेंट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट कैटेगरी. तो हमारी जो एजुकेशन है, इट शुड नॉट ओनली बी कंसिडरिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, रादर इट शुड बी फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन. तो होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर एजुकेशनल गवर्नेंस इंश्योर नहीं कर रही, तो इसका मतलब है देयर इज अ गैप. इसी तरीके से इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस, देयर फैमिलीज हैव एस्पिरेशंस, देयर कम्युनिटीज हैव एस्पिरेशंस. तो अच्छी एजुकेशनल गवर्नेंस वो होगी विच इज रिस्पॉन्सिव टू एस्पिरेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज एज वेल एज देयर कम्युनिटीज. How does the system learn about these levels of needs and aspirations? आपका जो सिस्टम है उसको कैसे पता चलेगा कि फैमिलीज की, इंडिविजुअल्स की, कम्युनिटीज की क्या एस्पिरेशंस हैं? वेयर इज द एविडेंस दैट दीज मैकेनिज्म्स वर्क, कि आपके जो मैकेनिज्म है ये जानने के लिए कि इंडिविजुअल्स की, कम्युनिटीज की एस्पिरेशंस क्या है, क्या वो मैकेनिज्म्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका एविडेंस क्या है? तो आपका जो सिस्टम है इट शुड बी रिस्पॉन्सिव. Governance should be responsive to the system and individuals, and system should also be responsive in helping the educational governance to know what are the aspirations of individuals and communities. एक अहम सवाल इसमें यह है कि what are the mechanisms for ensuring that different levels of the general education system are internally coherent, support each other and mutually reinforce each other. A system is comprised of different components, different elements. जिस तरीके से education, overall education अगर हम इसको एक system के तौर पर लें, तो इसमें different components हैं: curriculum development, textbook development, teaching, assessment. They are various components of the bigger system of education. तो इसमें अहम चीज है कि they need to be internally coherent. इनके दरमियान कोहेरेंस होना जरूरी है. अगर ये कोहेरेंट नहीं है तो अल्टीमेटली सिस्टम विल नॉट वर्क. सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल गवर्नेंस जो है दैट इज नॉट वर्किंग. सो जब भी हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम ही रिस्पॉन्सिव हो सकता है विच इज इंटरनली कोहेरेंट. एक और सवाल है इसमें अहम, दैट इज हाउ डू वी सपोर्ट लर्नर ट्रांजिशंस बिटवीन लेवल्स ऑफ द जनरल एजुकेशन सिस्टम एंड अक्रॉस द सेम लेवल्स ऑफ डिफरेंट पाथवेज. एक बच्चों की जो ट्रांजिशन होती है एक स्कूल से दूसरी स्कूल में जाना या एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना, लेवल्स हैं प्री स्कूल से
प्राइमरी स्कूल में ट्रांजिशन, फिर प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में, फिर सेकेंडरी स्कूल से आगे हायर एजुकेशन के अंदर ट्रांजिशन. सो ये जो ट्रांजिशन है ये कितनी स्मूथ है, आपका सिस्टम इसको किस तरह से सपोर्ट कर रहा है. इंडिविजुअल्स के लिए एक सिस्टम को रिस्पॉन्सिव होना है और उस रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर ये इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं कि ये देखा जाए कि हाउ वेल अ सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव टू द ट्रांजिशंस. Where and which are the most formidable sources of disconnect between the country's development needs and the general education system? How can we redress the disconnect? तो कंट्री की भी एक अपनी डेवलपमेंट नीड्स हैं. जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इट नीड्स टू सपोर्ट दोज नीड्स, इट नीड्स टू एड्रेस दोज नीड्स. एजुकेशन सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना है कंट्री की नीड्स के लिए और अगर उसमें कुछ डिसकनेक्ट है वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट डिसकनेक्ट. This is the responsibility of educational governors to identify that disconnect and address that disconnect. और इसमें एक और अहम सवाल है regarding systems responsiveness and that is what are the most urgent steps needed to reduce disconnect and to assure adequate and sustainable responsiveness of the general education system. इसमें द की वर्ड इज सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिवनेस. जब हम कहते हैं कि सस्टेनेबल होना चाहिए इट मीन्स कि आप जो भी उसके अंदर तब्दीली लेकर आएं, जो भी एक्शंस लेकर आएं टू एड्रेस द डिसकनेक्ट इट शुड बी सस्टेनेबल. ऐसा ना हो कि आपने एक या दो साल के लिए तो उस डिसकनेक्ट को एड्रेस कर दिया टेम्पररी बेसिस के ऊपर लेकिन वही वाला डिसकनेक्ट आपको कुछ अरसे के बाद नजर आए. सस्टेनेबल वेज वो वेज होंगे विच कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ये जो चीजें हैं कि डिसकनेक्ट को आइडेंटिफाई करना ये सिस्टम की जिम्मेदारी है एंड ओवरऑल एजुकेशनल गवर्नेंस नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिव टू इंडिविजुअल नीड्स एंड इट कैन बी रिस्पॉन्सिव इफ सिस्टम इज सपोर्टिव.